नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारी सीरीज हार्ट टू हार्ट में। ये सीरीज हार्ट अवेयरनेस के लिए और कार्डियक केयर के लिए हम कर रहे हैं, और आज इसी सीरीज में हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार चौरसिया हैं। डॉक्टर चौरसिया सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ हैं TAVR एंड स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज प्रोग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारा। सर, TAVR या TAVI बेसिकली एक टर्म है, लेकिन ये वॉल्व रिप्लेसमेंट और इम्प्लांट के लिए होता है, तो बताएंगे एक्चुअली क्या प्रोसीजर है। TAVR का फुल फॉर्म होता है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। हार्ट में चार मेन वाल्व रहते हैं, जिसमें से राइट साइड में दो रहते हैं, लेफ्ट साइड में दो रहते हैं। लेफ्ट साइड के दो वाल्व में से पहला वाल्व है मिट्रल वाल्व, जो कि दो चैम्बर, हार्ट के ही दो चैम्बर के बीच में फ्लो मेंटेन रखता है। दूसरा वाल्व है एओर्टिक वाल्व, जो कि हार्ट की एक चैम्बर से पूरी शरीर में ब्लड ले जाने के लिए मेंटेन रखता है। एक द्वार की तरीके है, जैसे दरवाजे की तरह है, स्मूथली खुलता है तो ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। अगर कहीं पे भी द्वार में थोड़ा भी दिक्कत हो जाता है तो आगे ब्लड नहीं जा पाता है। वैसे ही अपने शरीर में क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है एओर्टिक वाल्व में क्या होता है कि जैसे एज बढ़ते जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट होते जाता है, और कैल्शियम डिपॉजिट होने के चलते वो वाल्व सिकुड़न हो जाती है, जैसे कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप भी नहीं निकल पाएंगे ऑब्वियसली रूम से। यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट से ब्लड पूरी शरीर में नहीं जा पाता, तो इसको हम लोग एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं। अब पुराने तरीके में पूरी छाती खोल के इसकी सर्जरी की जाती थी। कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कि काफी एजेड पॉपुलेशन में ही ये होने वाला है। तो एजेड पॉपुलेशन मतलब 70-75 साल में सर्जरी करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनमें से आप मान लो कि 40% लोग ऐसे थे जो बिना सर्जरी के मर जाया करते थे। नाउ वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड टैवर और टैवी ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें कि सर्जिकल रिस्क बहुत कम हो गया है। हम लोग पूरी छाती खोलते नहीं है, जस्ट पैर की नली से, एक छोटी सी नली से अंदर जाते हैं और वाल्व चेंज करके निकल लाते हैं। पेशेंट 3 दिन हॉस्पिटल में रहता है मैक्सिमम, और उसके बाद घर चला जाता है। कन्वेंशनल सर्जरी आप देखते हैं, पेशेंट आता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होता है, छाती खुल के सर्जरी होती है, वेंटिलेटर पे बहुत लंबा टाइम रह जाता है, 8 दिन मिनिमम हॉस्पिटल स्टे, उसके बाद मीन्स 2 महीने पूरी रिकवर होने लग जाती है। यहाँ 3 दिन में आप घर पे हो, सब काम कर रहे हो। मगर ये प्रोसीड्योर जो है हम लोग यंग पेशेंट से ज्यादा जो ओल्ड एज हैं उनमें हम लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि जिनमें सर्जरी नहीं हो सकती है डिफिकल्ट है, या कोई पेशेंट है जो सर्जरी चाहता ही नहीं है, कोई ऐसा पेशेंट है जो दूसरा सर्जरी होनी है मगर ये वाल्व के चलते सर्जरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सब पेशेंट में हम लोग ज्यादातर इसको प्रीफर करते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया वॉल्व को डाल देते हैं, तो अंदर ऑलरेडी एक जो वॉल्व रहता है उसी में इसको आप लोग लगाते हो, तो सर ये फंक्शन किस तरह से? ये एक मेटल का ट्यूब जैसा रहता है, उसके अंदर में वाल्व सीट रहता है, मीन्स बनाई रही होती है। तो आप पुराने वाला नेचुरल वाल्व के अंदर जाते हैं और इस मेटल को खोल देते हैं, तो क्या होता है कि पुराना वाला वाल्व का लीफलेट जो है ना मेटल के बाहर ही समय रह जाता है, और मेटल के अंदर में जो नया वाल्व है वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसके चलते क्या है कि मीन्स ना हम लोगों ने कुछ निकाले ना कुछ किए, आराम से डाल के निकल के आए। मतलब ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, स्पेशली उस तरह के केसेस में जहाँ सर्जरी नहीं हो सकती या एजेड पेशेंट है। एंड सर, एक बात अगर पूछूं तो ये इसकी मतलब फंक्शनल और कामयाबी किस तरह की, अगर अब मैं बोलूँ आज? सो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने ये प्रोसीजर 2013 से शुरू किया है, उस टाइम में मैं यूरोप में हुआ करता था। उस टाइम में 2007 में किया हुआ 2 पेशेंट मेरे पास फॉलोअप, 2004 से ये प्रोसीजर शुरू हुआ है। 2013 तक तो बहुत कम सेंटर थे वर्ल्ड में जो कर रहे थे, जब मैंने BA स्टार्ट किया हुआ था उस टाइम। 2007 से 2 पेशेंट आते थे, उस 2007 में वो लोग 84 साल के थे। जब तक मैं यूरोप में था 2016 तक मैंने उन पेशेंट को देखा हुआ है, और तब तक वो पेशेंट चल के आते थे। जो पेशेंट की चल नहीं पाते थे 2007 में,
सर्जरी के बाद बिना सांस के दिक्कत हुए चल के आ रहे हैं आपके पास 2016 तक, तो काफी अच्छा सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि मींस ये इंफीरियर टू सर्जरी है या कुछ इस टाइप से। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी। सो व्यूअर्स, आपने सुना किस तरह से जो वॉल्व को रिप्लेस किया जाता है या वॉल्व को इम्प्लांट किया जाता है। डॉक्टर साहब ने हमें पूरी चीज बताई और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए जानकारी फायदेमंद रहेगी। सो आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका।